The dash was very tricky. मतलब dash बहुत पेचीदा था. तो यहाँ शब्द लगेगा. Hello friends, आज जिन पांच शब्दों के हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं, ये पांच शब्द हैं: figure out, matter, repeat, many और crow. इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना. फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द या पहला मुखड़ा जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है फिगर आउट. फिगर आउट का हिंदी में मतलब होता है पता लगाना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पता लगाना, तो वहां पर आप फिगर आउट मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो. आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल, डिड यू फिगर आउट द मिस्टेक, यानी क्या आपने गलती का पता लगाया. दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट हु ही वॉज, मतलब मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन था. अगला एग्जाम्पल, डिड यू फिगर आउट हाउ टू डू दिस, यानी क्या आपको पता है कि ये कैसे करना है. चौथा एग्जाम्पल, टॉम फिगर्ड इट आउट, मतलब टॉम ने ये पता लगाया. और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, वी हैव फिगर्ड इट आउट, यानी हमने इसका पता लगा लिया है. फ्रेंड्स, फिगर आउट मुखड़े का दूसरा मतलब होता है जानना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जानना, तो वहां पर आप फिगर आउट मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो. इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं. आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट ही सेड, यानी मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने क्या कहा. दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट प्रॉब्लम यू हैड, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आपको क्या समस्या है. फ्रेंड्स, फिगर आउट मुखड़े का तीसरा मतलब होता है सुलझाना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सुलझाना, तो वहां पर आप फिगर आउट मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो. इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल, आई वॉज फिगरिंग आउट द मैथ प्रॉब्लम, यानी मैं गणित का सवाल सुलझा रहा था. दूसरा एग्जाम्पल, ही फिगर्ड आउट द पजल, मतलब उन्होंने पहेली सुलझाई. फ्रेंड्स, फिगर आउट मुखड़े का चौथा मतलब होता है समझना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो समझना, तो वहां पर आप फिगर आउट मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो. इसका दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई कांट फिगर आउट व्हाट हैपेंड, यानी मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ. दूसरा एग्जांपल, आई कुडंट फिगर आउट व्हाट यू जस्ट सेड, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि आपने अभी क्या कहा. फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है मैटर. मैटर का हिंदी में मतलब होता है मामला. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मामला, तो वहां पर आप मैटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल, द मैटर इज सीरियस, यानी मामला गंभीर है. दूसरा एग्जाम्पल, आई डिस्कस्ड ऑन द मैटर विथ हिम, मतलब मैंने उसके साथ मामले पर चर्चा की. तीसरा एग्जाम्पल, द मैटर इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, यानी मामला हमारे हाथ से निकल रहा है. चौथा एग्जाम्पल, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैटर, मतलब हम मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं. और उसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो, आई विल लुक इनटू द मैटर, यानी मैं मामले पर गौर करूंगा. फ्रेंड्स, मैटर शब्द का दूसरा मतलब होता है पदार्थ. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पदार्थ, तो वहां पर आप मैटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कार्बनिक पदार्थ बहुत जटिल है. दूसरा एग्जाम्पल, देर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के तीन तत्व है. फ्रेंड्स, मैटर शब्द का तीसरा मतलब होता है बात. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बात, तो वहां पर आप मैटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल, विच मैटर ट्रबल्स यू, यानी कौन सी बात आपको परेशान करती है. दूसरा एग्जाम्पल, लीव दिस मैटर टू मी, मतलब इस बात को मुझ पर छोड़ दो. फ्रेंड्स, मैटर शब्द का चौथा मतलब होता है फर्क पड़ना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो फर्क पड़ना, तो वहां पर आप मैटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल, इट डजंट मैटर व्हाट द गेस्ट्स वेयर, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेहमान क्या पहनते हैं. दूसरा एग्जाम्पल, इट डजंट मैटर व्हाट एनीवन थिंक्स, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है. फ्रेंड्स, मैटर शब्द का पांचवा मतलब होता है मायने रखना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मायने रखना, तो वहां पर आप मैटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला एग्जांपल, डज ही मैटर टू यू, यानी क्या वो आपके लिए मायने रखता है. दूसरा एग्जांपल, ही मैटर्स अ लॉट टू मी, मतलब वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है.
फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है रिपीट। रिपीट का हिंदी में मतलब होता है दोहराना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दोहराना, तो वहां पर आप रिपीट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, रिपीट व्हाट यू सेड, यानी आपने जो कहा उसे दोहराए। दूसरा एग्जांपल, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, मतलब क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल, शैल आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, यानी जो मैंने अभी कहा क्या मैं उसे दोहराऊं। चौथा एग्जांपल, टॉम रिपीटेड व्हाट ही हैड जस्ट सेड, मतलब टॉम ने अभी जो कहा था उसे दोहराया। पांचवा एग्जांपल, आई वोंट रिपीट एनीथिंग यू से टू मी, यानी आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। अगला एग्जांपल, द प्ले विल बी रिपीटेड नेक्स्ट वीक, मतलब नाटक अगले सप्ताह दोहराया जाएगा। और उसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, डोंट रिपीट सच अ केयरलेस मिस्टेक, यानी ऐसी लापरवाह गलती ना दोहराए। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है मैनी। मैनी का हिंदी में मतलब होता है कई, या कह सकते हैं बहुत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कई या बहुत, तो वहां पर आप मैनी शब्द लगा सकते हो। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, देयर आर मैनी प्लेसेस टू सी हियर, यानी यहाँ देखने के लिए कई जगहें हैं। दूसरा एग्जांपल, मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम, मतलब कई छात्र परीक्षा में फेल हो गए। तीसरा एग्जांपल, ही आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस, यानी उसने मुझसे कई सवाल पूछे। चौथा एग्जांपल, टॉम हैज मैनी टैलेंट्स, मतलब टॉम में कई प्रतिभाएं हैं। पांचवा एग्जांपल, शी कॉल्ड मी मेनी टाइम्स, यानी उसने मुझे कई बार फोन किया। और अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, मतलब मेरे पास करने को बहुत कुछ है। फ्रेंड्स, मेनी शब्द को हम सवाल पूछने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सवाल पूछते हो तो वहां पर भी मेनी शब्द कभी कभार लगता है। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, हाउ मेनी बुक्स डज ही हैव, यानी उसके पास कितनी किताबें हैं। दूसरा एग्जांपल, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, मतलब आपके पास कितनी पेंसिलें हैं। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है क्रो। क्रो का हिंदी में मतलब होता है कौआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कौआ, तो वहां पर आप क्रो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर एक कौआ बैठा था। दूसरा एग्जांपल, द क्रो फ्लू ऑफ फ्रॉम द नेस्ट, मतलब कौआ घोंसले से उड़ गया। तीसरा एग्जांपल, आई सॉ अ व्हाइट क्रो, यानी मैंने एक सफेद कौआ देखा। चौथा एग्जांपल, अ क्रो इज एज ब्लैक एज कोल, मतलब एक कौआ कोयले की तरह काला होता है। और उसका लास्ट एग्जांपल दो तो, टॉम इज कैरिंग द क्रोस अवे, यानी टॉम कौवे को डरा रहा है। फ्रेंड्स, हमने यह शब्द इस्तेमाल किया है क्रोस, क्योंकि हम यहाँ पर एक से ज्यादा कौवे के बारे में बोल रहे हैं। तो जब हम एक से ज्यादा कौवे के बारे में बोलते हैं, तो वहां पर क्रोस शब्द लगाते हैं। फ्रेंड्स, क्रो शब्द का दूसरा मतलब होता है मुर्गे की बांग। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द क्रोइंग ऑफ द रूस्टर अवेकन्ड मी, यानी मुर्गे की बांग ने मुझे जगाया। फ्रेंड्स, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी डिस्कस्ड द डैश, यानी हमने डैश पर चर्चा की। तो यहाँ शब्द लगेगा मैटर। वी डिस्कस्ड द मैटर, हमने मामले पर चर्चा की। दूसरा क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट मी टू डैश द क्वेश्चन, मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं सवाल डैश। तो यहाँ शब्द लगेगा रिपीट। डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप चाहते हैं कि मैं सवाल दोहराऊं। तीसरा क्वेश्चन, दिस स्कूल हैज डैश स्टूडेंट्स, यानी इस स्कूल में डैश छात्र है। तो यहाँ शब्द लगेगा many, this school has many students, इस स्कूल में कई छात्र है। अगला क्वेश्चन, did you dash what his real name is, मतलब क्या आपने डैश की उसका असली नाम क्या है। तो यह शब्द लगेगा figure out, did you figure out what his real name is, क्या आपने पता लगाया कि उसका असली नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, two dash are flying in the sky, यानी आकाश में दो डैश उड़ रहे हैं। तो यह शब्द लगेगा क्रोस, टू क्रोस आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में दो कौवे उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द डैश वॉज वेरी ट्रिकी, मतलब डैश बहुत पेचीदा था। तो यह शब्द लगेगा मैटर, द मैटर वॉज वेरी ट्रिकी, मामला बहुत पेचीदा था। अगला क्वेश्चन, डोंट डैश व्हाट आई से टू यू, यानी जो मैं तुमसे कहता हूं उसे मत डैश। तो यह शब्द लगेगा रिपीट, डोंट रिपीट व्हाट आई से टू यू, जो मैंने तुमसे कहा उसे मत दोहराओ। अगला क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम डैश टाइम्स, मतलब मैंने उसे डैश बार कहा। यह शब्द लगेगा मैनी, आई टोल्ड हिम मैनी टाइम्स, मैंने उसे कई बार कहा। अगला क्वेश्चन, द डैश वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉट, यानी
डैश मटके से पानी पी रहा था, तो यह शब्द लगेगा क्रो। द क्रो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉट, कौआ मटके से पानी पी रहा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई विल डैश वेयर ही लिव्स, मतलब मैं ये डैश कि वो कहाँ रहता है, तो यह शब्द लगेगा फिगर आउट। आई विल फिगर आउट वेयर ही लिव्स, मैं ये पता लगाऊंगा कि वो कहाँ रहता है। फ्रेंड्स, मैंने इस लेक्चर का एक ईबुक बनाया है और इसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाया है। मैंने इसे अपने ऑनलाइन स्टोर पर रखा हुआ है और वहाँ पर आप इसे बहुत ही कम दाम में परचेज कर सकते हो। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर में कितना समझ आया। मैं इस ईबुक का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। अगर आप इस ईबुक को पढ़ते हो तो आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे फिगर आउट, मैटर, रिपीट, मैनी और क्रो। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में भी अपना सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूँ वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।